हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज के इस वीडियो में हम कुछ MIUI 11 के जो है सीक्रेट कोड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि लेटेस्ट जो MIUI 11 के बीटा वर्जन है उनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सीक्रेट कोड जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है FPS और आपके फोन की रेजोल्यूशन को लेके। तो वो कोड क्या है वो मैं आपको बताता हूं। स्टार हैश टाइप करना है आपको, फिर से स्टार हैश, फिर 37263 हैश स्टार हैश, और स्टार दबाते ही वो कोड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको कुछ अपनी स्क्रीन के ऊपर इस तरह की एक छोटी सी पॉपअप विंडो देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी पूरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन और FPS आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1080p और 2210 की हमारा स्क्रीन रेजोल्यूशन है, और आप इसके FPS यहाँ पे देख पा रहे हैं। जबकि हर स्क्रीन के ऊपर रहेगा, आप किसी भी स्क्रीन पर जाएं आपको यह उसका FPS वगैरह सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताता रहेगा। तो इस तरीके से ये कोड काम करता है। अगर आपने इसको वापस जाना है, क्रॉस करना है, तो यहाँ से क्रॉस का बटन आता है, उस पर आप टैप करेंगे और ये जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे हम कौन सा MIUI का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कौन सा ये MIUI का वर्जन है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का आपको इसके अंदर कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ अभी Redmi K20 Pro के लिए ही देखने को मिल रहा है। तो ये कोड तो हमने देख लिया है। अब सेकंड कोड जिसकी हम बात करने वाले हैं वो आपके फ़ोन की बैटरी के रिलेटेड, जो आपके फ़ोन की बैटरी के बारे में सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो उस कोड को भी हम एक बार रन कर लेते हैं। तो वो कोड क्या है, स्टार हैश स्टार हैश 6485 हैश स्टार हैश स्टार। तो ये कुछ इस तरीके का पेज जो है आपके फ़ोन के ऊपर यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे कुछ सीरियल्स में कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं MB000 ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, दैट मीन्स कि आपकी टोटल परसेंटेज है कि आपकी बैटरी की जो करंट परसेंटेज है वो क्या है, और उसके बाद करंट स्टेट क्या है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डिस्चार्जिंग है, अगर मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ तो ये एकदम से चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ये देखिए हम चार्ज करते हैं फ़ोन को, तो ये देखिए, अब देखिए ये चार्जिंग के ऊपर आ गया है। और उसके बाद जो आपको देखने को मिलता है MB02, उसके में आपको बताता है कि टाइप ऑफ चार्जिंग कौन सी, आपको फ़ोन को नॉर्मल चार्जिंग मिलती है कि फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो है इसकी बैटरी का स्टेटस पड़ जाता है कि बैटरी का स्टेटस कैसा है। जैसे आप देख पा रहे हैं MB06 गुड, यानी कि हमारी बैटरी का स्टेटस जो है इसमें बिल्कुल ठीक है और परफेक्टली हमारी फ़ोन के अंदर जो है हमारी जो बैटरी जो है परफेक्टली काम करती हुई नज़र आ रही है। अगर आप देखें MU00 तो ये बताएगा आपका जो फ़ोन है किस तरीके से चार्ज हो रहा है। तो इस टाइम पर हम PC के साथ जो USB यूनिट होती है उसके थ्रू चार्ज कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको शो कर रहा है कि आपका जो चार्जिंग है वो आप USB के थ्रू चार्ज कर रहे हैं इसको। अगर थोड़ा और नीचे जाएं तो आपको यहाँ पर चल जाएगा MF01, यहाँ पे कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सारी बैटरी कैपेसिटी जान सकते हैं। फिर और उसके बाद MF02, मतलब कि कितना टाइम आपको फ़ोन में लगेगा, क्योंकि हमारा फ़ोन जो है ऑलरेडी 100% है तो जीरो शो कर रहा है कि क्योंकि हमको फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। और MF05 जो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है कि आपकी बैटरी की जो एक्चुअल कैपेसिटी क्या है वो आपको पता चलता है, और MF06 में आपको जो इसकी नोटिफाइड कैपेसिटी है वो आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर पता चलती है। बाकी चीज़ों के बारे में बता नहीं पाऊंगा वो क्या चीज़ मेंशन की गई है, बट इस तरीके से जो है आप अपने फ़ोन की जो पूरी बैटरी की डिटेल जो है यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, और इस छोटे से कोड से जो है आप अपनी स्क्रीन के रेजोल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हर टाइम पे आपको अपना पूरा रेजोल्यूशन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। दोनों कोड जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, जहाँ से आप उनको अपने फोन के अंदर रन कर सकते हैं। ये इस टाइम पे दोनों कोड में से जो है सेकंड कोड सब फोन पे काम कर रहा है, जो फर्स्ट जो रेजोल्यूशन वाला कोड है वो जो लेटेस्ट वर्जन है MIUI 11 का बीटा वर्जन उसके ऊपर ये इस टाइम पे काम करता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ ये सीक्रेट कोड्स आपको पसंद आए होंगे, या फिर आपको उन्होंने पहली बार आपने सुना होगा। तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।